नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आशु और आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ डेट्स एंड टैमरिंड चटनी, जो बहुत ही डिलीशियस, खट्टी मीठी और जिसे आप दही बल्ले, गोलगप्पे और समोसों के साथ सर्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेट एंड टैमरिंड चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़, जिसे हम ग्रेट करेंगे, डेट्स जिसे हम डीसीड करेंगे, इस तरह से बीज निकाल लेंगे, इमली को भी डीसीड कर देंगे लाइक सो। अब चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में डालेंगे डीसीड करे हुए डेट, डीसीड करी हुई इमली और ऐड करेंगे पानी और थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ गुड़ और अब इसे बॉईल करने रख देंगे। अच्छे से बॉईल होने के बाद जब थोड़ा सा थिक हो जाए तब फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे स्ट्रेन करेंगे जिससे सारी इम्प्योरिटीज और बाकी के बचे हुए स्टोन्स निकल जाएं और फाइन प्यूरी रह जाए। अब वापस पैन को गैस पर ऑन करेंगे और सेम पैन में इसे वापस डालेंगे और ऐड करेंगे काला नमक, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर, पिंच ऑफ हींग, अदरक पाउडर, मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा थिक होने तक इसे बॉईल करेंगे। अच्छे से बॉईल हो जाए और थिक हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे पोर करेंगे किसी जार में और गार्निश करेंगे ग्रेप्स से या बनाना के साथ। इस खट्टी मीठी चटनी को आप दही भल्लों के साथ या किसी चाट के साथ और गोलगप्पों के साथ या समोसे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यम्मी।